बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं शायना शम्स। आइए आज की खबर की जानी पढ़ते हैं। ऐसी भी बातें जो कायनात का रब हजरत जिब्रील के वसीले के सिवा, उसको जरिया बनाने के सिवा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह बता देता था, तो वो एक बात जो जिसे हम हदीस कुदसी के तौर पर पेश करते हैं, तो उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे ये बात बताई आपके लिए। ऐ दुनिया भर के लोगों, ऐ मुसलमान, मेरे रब की बहुत सारी बात। आसिफ नवाब शाह से रिपोर्ट कर रहे हैं। ज़काउद्दीन मुगल जमात इस्लामी सिंध के नायब अमीर हाफिज नसरुल्ला चाना ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार है। इसमें रब करीम अपने बंदों पर बेइंतहा मेहरबान होता है और इस माह मुबारक में नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है। वो इस्लामिक हॉल में एक अफ्तार तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ताजिर हजरात और हुकूमत इस माह में लोगों को आसानी फराहम करें, लेकिन बदकिस्मती से अशिया सिर्फ कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हर साल ज़रूरी अशिया पर सब्सिडी दी जाती थी, इस बार IMF के हुक्म पर यह सहूलत भी छीन ली गई। जमात इस्लामी के रहनुमा ने हुकूमत की जानिब से मुफ्त और सस्ता आटा की तकसीम के लिए अवाम को कतारों में खड़ा करके तजलील करने पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा, इसमें लोग जाँबहक हो रहे हैं, या तो इसका सही तरीक़ाकार वज़ा किया जाता या मजमूई तौर पर दुकानें और चक्कियों पर आटे की कीमत में नुमाया कमी की जाती ताकि गरीब और मुतवस्सित तबका दोनों को इसका फ़ायदा होता। उन्होंने लोगों से अपील की कि आइंदा इंतखाबात में वो जमात इस्लामी की साले और खौफ खुदा रखने वाली क़यादत को मुंतखब करें ताकि मसाइल हल हो सकें। तकरीब में जमात इस्लामी के ज़िले अमीर सरवर अहमद कुरैशी और शहर के अमीर अब्दुल बासित कुरैशी समेत लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। टुडे न्यूज में फेवर इतना ही। मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक करें। शायना शम्स को इजाजत दीजिए, अल्लाह नेकबान।